संद्रवासे, फोगाटे, साकरोडे, मालपोसे, अचिनाताले, बागेश्री, बोंदे, बोंदकला, बोंद खुर्दे, रणकोली, नीमड़ी, कैला, बड़ाला, बोंद ब्लॉक के जितने भी गांव है सारे गांव ने 13 तारीख ने यानी कि सोमवार ने बोंद कला बाबा चांदूदास के मंदिर के सामने मॉडल संस्कृति स्कूल में मेला लगेगा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का। इसका मैं सारा गांव ने नहीं जाना है, कुछ चुनिंदा कैंडिडेट हैं जिनके नाम इस लिस्ट में आए हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम भी है तो आपके द्वारे डिपार्टमेंट की कोलाई होगी या फिर आपके द्वारे पर्सनल एक मैसेज आया होगा कि आप इस योजना के पात्र हैं, आप इस योजना का जो भी बेनिफिट इसमें मिला है उसका लाभ ले सको हो। के योजना है के इसका चीज है कंप्लीट जानकारी आपने इस वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहला आपने 3 फ्री के एडवाइस में देना चाहूंगा। पहली एडवाइस यह है कि आप जाओगे बाबा चांदूदास के सामने जो स्कूल है मॉडल सांस्कृतिक स्कूल, अगर आपके बालक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं या सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो जो जिस मॉडल सांस्कृतिक स्कूल में आप जाओगे उसका प्लेग्राउंड में मेला लगेगा। उस मॉडल सांस्कृतिक स्कूल के बारे में भी जानकारी आई हो कि उसका में किस प्रकार की पढ़ाई है, उसका में कितनी फीस है, अपने बालक का आप क्यों कर एडमिशन करवा सको हो। अगर आपने बालक का आप उसका में एडमिशन करवाना चाहो हो तो उसके खातर हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर यह वाली वीडियो जाके देख सको हो। दूसरी एडवाइस यह है कि उड़े डिपार्टमेंट के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिपार्टमेंट है उसके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अपना एडीसी साहब, डीसी साहब या फिर कोई मंत्री है या कुछ और कुछ भी बड़ा डिपार्टमेंट का अधिकारी है वे सभी अधिकारी वहां पे मिलेंगे। अगर आपको कोई छोटी मोटी परेशानी है किसी प्रकार की तो आप उठ जाके अपना जो भी समाधान उसका हो वो करवा सको। इस एडवाइस यह है कि इस चैनल ने सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन ऑन कर लो ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई अपडेट आवे उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जावे, आपने उसकी उचित जानकारी मिल पावे। ये बात करा मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना की तो इसका मैं आपने किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं दी जाओगी। अगर आप सोच रहे हो कि इसका मैं आपने कोई नौकरी दी जाओगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, इसका मैं आप तय लोन प्रोवाइड करवाया जाओगा और इस लोन लेने का बहुत बढ़िया बेनिफिट है क्योंकि अगर आप आम आदमी द्वारा किसी द्वारा लोन ले अड़ोसी पड़ोसी द्वारा या किसी जानकार द्वारा तो वो आपने 2 रुपये सैकड़ा पड़ा है या फिर आप जो महिला लोन ले हो वो भी आपने काफी महंगा पड़ा है और जो यो लोन आप तो दिया जाओगा यो लोन दिया जाओगा आप किसी प्रकार का भी कोई भी कारोबार अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सको या फिर अपनी कोई डेयरी शुरू कर सको या फिर आप कोई बढ़िया खेती बाड़ी शुरू कर सको और इसका मैं आपने स्पेशल सब्सिडी भी दी जाओगी 25%, 30%, 20%, 15% जो डिपेंड करे है उस डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में कौन सी आप योजना ले रहे हो उस योजना की आपने पूरी जानकारी देवांगे, लेकिन उससे पहले आप पूरी डिटेल आपने बता दिया। और ये एक सुनहरा मौका है आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अगर आपकी एक छोटी सी नाई की दुकान है आपके पास एक कुर्सी है कैंची उस्तरा वगैरह आपके पास है और आप कैसे भी करके अपना गुजारा बसर कर रहे हैं तो अगर आप इस योजना में आते हैं और इस योजना में अगर आप वहां से लोन लेते हैं तो आप अपना एक बेहतरीन 1.5 लाख रुपए लेकर बेहतरीन सैलून आप बना सकते हो और सैलून जैसे आप मतलब कस्टमर को सर्विस देंगे तो वैसे ही आपकी इनकम सोर्स भी आपका बढ़ेगा। अगर आप एक सिलाई मशीन का काम कर रहे हो तो अगर आप वहां पर 1.5 लाख रुपए का वहां से लोन लेकर उसमें आपको कुछ परसेंट सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आपको लोन के तौर पर 1 लाख रुपया मिलता है और उसमें 25% सब्सिडी मिलती है तो यानी कि आपको 75,000 ही रिटर्न करना पड़ेगा और इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप सिलाई कर रहे हो तो आप वहां पर अपना रेडीमेड कुछ कपड़ा वहां पर लगा डाल सकते हो, कुछ शूज वगैरह वहां पर डाल सकते हो और अपनी इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो। जो मेला लगाया जाओगा उरे हर डिपार्टमेंट की एक अलग स्टाल मिलेगी, यानी कि आप ये लगा लो एक दुकान टाइप में उड़े टेंट वगैरह लगाए जाओगे और उड़े एक कॉर्नर पर आपने आपके आसपास बोंद ब्लॉक में जितने भी बैंक हैं चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, चाहे वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हो या आसपास कोई भी और बैंक है HDFC वगैरह है वो हर बैंक का आपने उड़े स्टॉल मिलेगी और इसका साथ साथ मत्स्य पालन का विभाग अलग से मिलेगा, कृषि का विभाग आपको अलग से मिलेगा, आपको पशुपालन डेयरी का विभाग है
वो आपको अलग से मिलेगा। आपका रोजगार कार्यालय का जो विभाग है चरखी दादरी में, उस वो डिपार्टमेंट वाले भी वहां पर आके अपने स्टॉल लगाएंगे। और आपका जो महिला बाल विकास विभाग है उसका अलग से स्टॉल मिलेगा। और हमारा जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल सीएससी के भी आपको एक अलग से स्टॉल मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि एक अगर आपके गांव में कोई सीएससी नहीं है तो आप सीएससी की दुकान करना चाहते हो तो हमारे विक्रम जी जो हमारे डीएम है विक्रम जी वहां पर मिलेंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हो, अपनी सीएससी आईडी ले सकते हो, वो आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दे देंगे। और भी बहुत सारे विभाग हैं जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें आपका ग्रामीण विकास विभाग है, इस योजना में आप मनरेगा से जुड़ सकते हो। पहले जो मनरेगा होती थी वो सरपंच के थ्रू होती थी, सरपंच जिसे चाहे वो रख सकता था, लेकिन अगर आप इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग में जुड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना नाम दर्ज करवा दें और आपका नाम मनरेगा में जुड़ जाएगा। अगला है हरियाणा अनुसूचित जाति वित्तीय विभाग निगम। अगला है हमारा सीएससी गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। अगला है पशुपालन और डेयरी विभाग, इसके अंदर आप भैंस भेड़ बकरी मुर्गी वगैरह सब का इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो ये हमारे लिए नहीं है। उद्यान विभाग, इसमें खेती बाड़ी के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप मशरूम की खेती या कोई फल फ्रूट या सब्जी की खेती करना चाहते हो तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। हरियाणा कौशल विकास मिशन, इसमें आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाएगी, चाहे वो ब्यूटी पार्लर संबंधित हो या फिर सिलाई मशीन से संबंधित हो। और अगला है हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, इसमें जो कमजोर वर्ग के लोग हैं परिवार हैं उनका विकास करने के लिए काफी सारी योजनाएं इसके अंदर देखने को मिलेंगी। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा महिला विकास निगम, इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए काफी योजनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। रोजगार विभाग, इसमें आपके दो डिपार्टमेंट आते हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस और दूसरा है युवा सक्षम योजना। अगर आप ट्वेल्थ पास है, ग्रेजुएशन पास या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें अगर आप प्लस टू पास हैं तो हर महीने इसमें आपको 900 रुपये मिलेंगे, प्लस आपके काम के 6,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन पास की है तो 1500 रुपये प्लस 6,000 रुपये हर महीने काम के अलग से दिए जाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास है तो आपको 3,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये हर महीने 4 घंटे काम करने के दिए जाएंगे। अगला है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, अगला है मत्स्य पालन। अगर आप मछली पालन का काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मछली पालन के लिए भी लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम निर्देशालय, इसमें आप अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस अपना करना चाहते हो, कोई दुकान वगैरह, कोई शॉप वगैरह, कोई शोरूम वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको काफी किफायती दरों पर लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसमें आपको कुछ सब्सिडी देखने को भी मिलेगी। अगला है हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड, अगला है विकास एवं पंचायत विभाग। काफी सारे विभाग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इसमें काफी सारी स्कीमें आपको देखने को मिलेगी। और आपको ये बता दें कि आपको लोन बैंक तभी प्रोवाइड करवाएगा जब आपका सिविल स्कोर सही होगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, आपने पहले कोई लोन ले रखा है, अगर आपने वो लोन नहीं भरा है, आप डिफॉल्टर घोषित कर गए हो बैंक द्वारा, तो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। और इसकी कंप्लीट डिटेल मैं फिलहाल नहीं बता सकता, काफी लंबी वीडियो हो जाओगी, तो इसलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ ले जा रहा हूं। वहां पर आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने अभी मैं कंप्यूटर पर दिखाऊंगा ऐसा इंटरफेस आएगा। फिलहाल हम आ चुके हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे, इस कॉर्नर में आपको सभी विभाग देखने को मिलेंगे। किसी भी विभाग में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ हरियाणा महिला विकास निगम में, यहाँ पर आपको दो योजनाएँ देखने को मिलेंगी। ये हरियाणा महिला विकास योजना है, इसमें आपको विधवा के लिए अनुदान योजना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और योजना विवरण देखे पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी पूरी डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी कि ये विधवा के लिए अनुदान योजना है, इसमें आप स्वरोजगार करने के लिए लोन ले सकते हो और ये लोन का प्रकार है। और इस योजना में आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यदि लोन योजना का प्रकार लोन है, कृपया बताएं कि आप किस प्रकार लोन लेना चाहते हो। तो इसमें जनरल स्टोर, परचून की दुकान, जूतों की दुकान, सब्जी की दुकान, मनियार की दुकान
और यहाँ पर आप अगर टेलर की शॉप करना चाहते हो, ब्यूटी पार्लर शॉप करना चाहते हो, भैंस पालन का काम करना चाहते हो, फ्रूट शॉप करना चाहते हो, आयरन सीमेंट स्टोर करना चाहते हो, कंप्यूटर का कोई दुकान करना चाहते हो, आप कपड़े की दुकान करना चाहते हो या अन्य कोई आय उपार्जन का कार्य करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लोन दिया जाएगा। केवल यहाँ पर हरियाणा की जो तलाकशुदा महिलाएं हैं कानूनी रूप से, उनको ही लोन दिया जाएगा। और आपको यहाँ देख पा रहे हैं लाभार्थी के समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा में महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा दी जाने वाली प्रतिशत ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 100% ब्याज सब्सिडी है। यानी कि 3 साल तक आपका किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा। अधिकतम में 50,000 रुपये जो भी पहले वो प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर आपको अधिकतम जो ऋण सीमा है वो 3 लाख रुपये तक हो सकती है। मैं आपको एक बार दूसरी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरी योजना है, इसमें कोई भी महिला लोन ले सकती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंध रखती हो, खासकर जनरल कैटेगरी से। आपकी ये सेम यहाँ पर दुकानें रहेंगी, आप इस प्रकार की दुकानें कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी जो लोन की सीमा है वो 1.5 लाख रुपये ही रहेगी। वहाँ पर जो विधवा महिलाएं थी उसके लिए 3 लाख तक थी, और इसमें जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो 25% होगी। और वहाँ पर जो विधवा महिलाओं के लिए थी वो 100% सब्सिडी थी, यानी कि उसको किसी प्रकार का कोई ब्याज वगैरह नहीं लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको 25% सब्सिडी देखने को मिलेगी और 1.5 लाख रुपये तक का आपका लोन यहाँ पर करा जाएगा। और इससे जो आपकी वार्षिक इनकम होगी वो 80,000 रुपये तक हो सकती है। वापस से मैं यहाँ जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रोजगार विभाग में। रोजगार विभाग में यहाँ पर दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। प्राइवेट सेक्टर के जॉब फिलहाल ये काम नहीं कर रही है, और जो दूसरा है आपका वो है युवा सक्षम योजना। आप जैसे मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर युवा सक्षम योजना दिखा देता हूँ, और योजना सर्च करने पर यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी पूरी डिटेल यहाँ निकल के सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटेल देख पा रहे हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बेरोजगारी भत्ता के लिए यहाँ पर ये स्कीम दी गई है, और इसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट में नाम अपना दर्ज करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पास हो तो 3,000 रुपये पर महीना, अगर आप ग्रेजुएट हो तो 1,500 रुपये पर महीना, और अगर आप प्लस टू पास की है तो 900 रुपये पर महीना। प्लस यहाँ पर 6,000 रुपये आपको हर महीने 100 घंटे काम करने के अलग से दिए जाएंगे। आप इस साइट से आराम से घर बैठे सभी विभागों के इसमें क्या क्या स्कीम है आराम से बैठकर देख सकते हो। और ये सभी देखने के बाद ही आप अपने जो मेले में जाना है आपको, तो उस मेले में जाएं, पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख कर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।